साथ बात करेंगे मौसम के मिजाज की, बात करेंगे पारा जो चढ़ा है तो गर्मी से लोग परेशान हैं, लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी है, उमस का माहौल है, करीब 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया इस गर्मी ने। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए दिन और रात के तापमान की तो जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में 5 साल बाद मई के महीने में दिन का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 48.5 डिग्री सेल्सियस के साथ धौलपुर में सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है आज। इसके साथ 8 जिलों की अगर बात की जाए तो दिन का पारा 47 डिग्री के पार दर्ज किया गया। दिन में जहां पर सूर्य की तपिश लोगों को झुलसा रही है तो वहीं पर रात की उमस भी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। बीती रात एक बार फिर से प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात के तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीती रात 33.2 डिग्री सेल्सियस के साथ फलोदा में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, तो वहीं पर राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो रात का तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ 13 जिलों में बीती रात का जो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं पर 12 जिले जिसमें झुंझुनू है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा है, यहाँ पर भी गर्मी का प्रकोप है। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बीते 2 दिनों से प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन और रात के तापमान में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वहीं आने वाले 24 घंटे गर्मी के लिहाज से और भी सताने वाले हो सकते हैं। बीते दिन 48.5 डिग्री के साथ धौलपुर में सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, तो वहीं 3 जिलों में दिन का पारा 48 डिग्री तो 8 जिलों में दिन का पारा 47 डिग्री के भी पार दर्ज किया गया। तो वहीं आज भी प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 13 जिलों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेशवासियों को राहत देता हुआ नजर आएगा, तो वहीं दिन और रात के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। कैमरा पर्सन देव के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, हम देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हुए जो ज्यादा परेशान होते हैं। हालांकि स्कूलों में छुट्टियां भी अनाउंस कर दी गई हैं, लेकिन आंगनबाड़ी अगर स्कूलों की बात की जाए तो वहां पर अभी तक छुट्टियां अनाउंस नहीं की गई है। रौनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। रौनक, क्या जानकारी है, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ चिंता जाहिर की जाती है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तो लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जाहिर सी बात है अगर पारा जो है 45 डिग्री के पार जाए, 46 डिग्री के पार जाए, 47-48 डिग्री तक पहुंच जाए तो क्या स्थिति हो सकती है, हम आसानी से समझ सकते हैं। क्या तस्वीरें हैं बीकानेर से, प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई गाइडलाइंस हैं, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मौसम विभाग क्या कहता है? जी बिल्कुल गगन, देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 48 डिग्री को पार जो है बीकानेर शहर का तापमान चला गया। अगर बात की जाए अब कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली स्थिति में पहुंच गई है। हालांकि अगर बात की जाए पश्चिमी रेगिस्तान पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है, और इस गर्मी की चपेट से बचाने के लिए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से राहत देने की कोशिश की जा रही है। बीकानेर के जू में मैं मौजूद हूँ, आप देखिए यहाँ पर जो एनिमल्स मौजूद हैं उन पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, शेल्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, गर्मी से बचाने के जितने प्रयास हो सकते हैं तमाम तरह से, देखिए इंसान अपने घरों में रहकर एसी में रहकर जो है गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। तो जो जानवर है जो जू में बंद है उनके लिए विशेष व्यवस्था जो है प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर की गई है। वन विभाग ने खास आदेश यहाँ पर जारी किए हैं और उसमें यह कहा गया है कि पानी की, हरे चारे की तमाम व्यवस्थाएं जो यहाँ पर की जाए। जो अधिकारी यहाँ मौजूद है, बात करता हूँ सर, क्या व्यवस्था है, क्या निर्देश आप लोगों को है, गर्मी बहुत है और बेजुबानों के लिए आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? सर नमस्कार जी, मेडिकल थैंक यू, और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पर
पानी का बार बार छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ जो खाने की मात्रा है, जो इनकी सूखा चारा राशन है, उसमें हरे राशन की मात्रा बढ़ाई जा रही है, और साथ ही साथ इनके लिए शेल्टर की व्यवस्था की जा रही है। और भी आ रहे हैं, और बाहर गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है सर। अभी देखिए इतनी हीट वेव चल रही है कि आप बाहर निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पैरों में आग लगी हुई है सर। तो इसलिए इनको भी बेजवानों को ये थोड़ी सी ठंडक पहुंचाने के लिए इनके लिए कूलरों की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ बार बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है सर। और इसके अलावा जो चारा है उसमें हरे जो चारा है उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ाई गई है, ताकि क्या है कि ये हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूँ, दिखाए किस तरह से जो पिंजरे बने हुए हैं, जो शेल्टर्स बनाए गए, उसके अलावा ग्रीन शेड्स यहाँ पर लगाई गई है, जानवरों को बेजुबानों को जो है राहत देने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करूँ मैं पश्चिमी रेगिस्तान की, तो पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है, पारा 48 पार चला गया है। खासतौर पर अगर बात करूँ जो बॉर्डर पर जवान तैनात है उनके सामने चुनौतियां है, लेकिन गगन समझना ये होगा कि आने वाला सप्ताह इसी तरह से गर्म रहने वाला है। अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में और भी ज्यादा जो है गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है, ये भी जो है चिंता जाहिर हो रही है। लेकिन इस बीच में अच्छी बात ये है कि पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए जो लोग आगे आए हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि ये तमाम उपाय की जाएं, इनको भी गर्मी से थोड़ी राहत दिलाने के लिए कुछ किया जाए। कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर की तस्वीरें क्या कहते हैं कुलदीप, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि पशुओं की देखभाल खास तरीके से की गई है, पानी का छिड़काव उन पर, लेकिन ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जैसे घर की छतों पर पक्षियों के लिए भी पानी रखा जाए, या फिर खुद इस गर्मी से बचने के लिए लोग क्या कुछ करते हैं। गंगानगर की अगर बात करें तो पिछले पूरे सप्ताह से ही जो लोग हैं भयंकर गर्मी से बुरी तरह परेशान है, चाहे वो आदमी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। क्योंकि गंगानगर एक नहरी इलाका है, ऐसे में यहाँ पर गर्मी और लू के साथ साथ उमस है वो बहुत मात्रा में है, और जो लू के साथ साथ जो उमस पड़ रही है इसके कारण जो आम आदमी का जीवन है वो बेहाल हो चुका है। चाहे एसी की बात करें, चाहे कूलर की बात करें, सभी के सब है वो हांफने लगे हैं। एसी है वो काम नहीं कर पा रहे, कूलरों की तो बात ही करना बेकार है। ऐसे में कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं वो जरूर आगे आई हैं, परिंदे बांधने की शुरुआत की गई है, घरों के आगे जो पशुओं के लिए पानी की टंकियां रखवाने की शुरुआत की गई है, लेकिन वो जो इतनी तेज गर्मी है, 48 डिग्री जो टेम्परेचर है, उसके आगे सब के सब नाकाम हो रहे हैं। हालांकि जो इंसान है वो अपने घरों में रहकर सुबह और शाम के अंदर ही जो अपने काम, जरूरी काम है वो निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर बात करें टेम्परेचर की, तो सुबह की जो शुरुआत हुई थी, आज अगर सुबह की बात करें तो सुबह 9 बजे के लगभग जो टेम्परेचर था वो 37 डिग्री के आसपास था, और अभी 12 बजे का समय हुआ है और ये टेम्परेचर बढ़कर 43-44 डिग्री तक हो चुका है। और मौसम विभाग की अगर माने तो ये टेम्परेचर पिछले 3 दिनों की तरह आज भी 48 डिग्री को क्रॉस करेगा, और जो ये मौसम के अंदर तपन है या लू है वो देर रात तक 8-8:30 बजे तक बनी रहती है, और उसके बाद में भी जो लोगों का रात का तापमान है वो भी बढ़ने से आम आदमी का जीवन है वो बुरी तरह बेहाल हो चुका है। जी जी, ठीक है बाबा, शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए, आपका भी शुक्रिया बाबा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जैसे कि चिंतक भी चिंता जाहिर करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बना रहता है, उसके लिए इंसान ही जिम्मेदार होता है, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, जंगलों का देखिए क्या हाल है, और खुद जो प्रदूषण बढ़ाते हैं लोग, ऐसे में चिंता जाहिर की जाती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमको खुद को ही आगे बढ़कर, हालांकि गर्मी कुदरती है, इसके प्रकोप को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ खास उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, वो जरूर करने चाहिए। फिलहाल आगे बढ़े, पारा 45 डिग्री के पार है तो सूर्य देव की तपिश भी झुलसाने लगी है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी गर्मी के आगे बेदम नजर आते हैं। इंसान तो गर्मी से बचने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है, लेकिन बेजुबान क्या करें। कोटा में बेजुबानों के लिए परेशानी का सबब बनी है गर्मी, इससे निजात पाते बेजुबान, और उनकी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई है, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए ये तस्वीरें हैं, ये देखिए ये बेजुबान हैं जो खुद ही अपने सर पर खुद को राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोटा के सीबी गार्डन से ये तस्वीरें, बड़ी गिनती में यहाँ पर बंदर गर्मी से निजात पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पानी के साथ अकेलिया करते हुए नजर आते हैं, पानी के पाइप से बंदरों ने कैसे मस्ती की ये देखिए खास रिपोर्ट। जब गर्मी सताती है उसके बाद हर कोई गर्मी से बचने के जतन में लग जाता है, चाहे इंसान हो या फिर बेजुबान,
कुछ ऐसी तस्वीरें, जब पारा 45 डिग्री को पार किया है तो गर्मी हर किसी को बेचैन कर देने वाली है। और फिलहाल ये खास तस्वीरें देखिए आप कोटा के सीबी गार्डन से, जहां पर आप देखिए पानी का पाइप है और इस पानी के पाइप से अटखेलियां करते हुए ये बंदर आपको यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है, सूरज की तपेश झुलसा देने वाली है, उसके बाद हर किसी का जो गला है वो कहीं ना कहीं सूख रहा है और उस गले को तर करने का जतन यहाँ पर ये बंदरों की टोली करती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, हरे हरे पेड़ यहाँ पर हैं, हरी घास लगी हुई है और इन सब के बीच में अपने आप को ठंडक के साथ में राहत देने का प्रयास ये बंदरों की टोली यहाँ पर कर रही है। ये बंदर आपको सुस्ताते हुए हरे पेड़ के नीचे दिखेंगे, ठंडे पानी के साथ में अटकेलियाँ करते हुए नजर आएंगे। तो ये कैमरामैन आपको जूम करके तस्वीर दिखाएंगे, ये छोटा सा बंदर देखिए किस तरह से ठंडे पानी के साथ में मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से ये बंदरों की टोली पानी पी करके अपने आप को गर्मी से राहत देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि तापमान फिलहाल तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 45 डिग्री के पार होने के साथ ही झुलसा देने वाली तपिश है और अभी फिलहाल कहा जा सकता है कि ये गर्मी हर किसी के लिए टॉर्चर बनी हुई है। और इन सब के साथ में ये तस्वीरें भी खास हैं जो बता रही हैं कि इंसान ही नहीं, इस तपिश वाली गर्मी से, इस झुलसा देने वाली गर्मी से इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया कोटा।